तो जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म एक्सरसाइज 5.6 के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इम्पॉर्टेंट क्या, सबसे इजी जो टॉपिक आपके क्लास फिफ्थ चैप्टर के अंदर, क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर फिफ्थ आप पढ़ रहे हो, सबसे इजी एक्सरसाइज 5.6 ही है इस पूरे चैप्टर में, आपने देखा भी होगा। अब इससे पहले आपने लॉगरिथम की बात करी, फिर एक्सपोनेंशियल की बात करी, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन की बात करी, इनवर्स की बात भी करी, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के होता क्या है, इसके डिफरेंशिएशन इसका कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, वो हम बात करेंगे। तो छोटी सी वीडियो बनने वाली है और छोटा सा टॉपिक है आप बच्चों के लिए, तो ध्यान से देखना पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। तो अभी तक आपने जो भी सीखा वहां पे क्या सीखा था, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई डिपेंड था एक्स के ऊपर, एक्स की वैल्यू चेंज होगी वाई की वैल्यू चेंज होगी, यस या नो, यस। अभी आपने क्या सीखा बेटा, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, बस जो भी क्वेश्चन सीखा था आपने उसमें एक्स और वाई की बात करी, आपने क्या देखा कि भैया एक्स वाई डिपेंडेबल ऑफ एक्स वेरिएबल्स, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू चेंज होती है, किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वाई की वैल्यू। पैरामेट्रिक फॉर्म ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, सपोज वाई इज इक्वल टू दे रखा है साइन टी और एक एक्स दे रखा है टी स्क्वायर, दोनों बातों में फर्क देखना। देखो यहां पे y किस पे डिपेंड है, t पे, t की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, यस या नो। और यहां भी x की वैल्यू किस पे डिपेंड है बच्चों, t पे। तो मैं शब्दों में एक साथ एक छोटी सी बातें मैं लिख दूं, y एंड x बोथ डिपेंड ऑन पैरामेट्रिक टी वेरिएबल। देखो यहां पर दोनों के दोनों किस पे डिपेंड है, टी पे डिपेंड है, तो यहां पर जो टी है ना वो क्या बन गया, एक पैरामेट्रिक फॉर्म बन गई। कैसी फॉर्म बनी हुई है, पैरामेट्रिक फॉर्म। यहां वाई पे डिपेंड है एक्स टी पे और एक्स पे डिपेंड है किस पे, टी के ऊपर। तो यह पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज में हम बात करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल छोटा सा समझ लेते हैं इसी एग्जाम्पल को लेकर। तो आपने अपने क्या देखा कि भैया y भी डिपेंड है t पर और x भी डिपेंड है t पर, t इज अ पैरामेट्रिक वेरिएबल्स जो भी है, ठीक है, दोनों वेरिएबल y t पर डिपेंड है। पहले आप यहां बच्चों ध्यान देना, और जिस पे भी डिपेंड हो, दोबारा मैं बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में मेरे क्वेश्चन में t पर डिपेंड है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है थीटा पर डिपेंड हो, किसी क्वेश्चन में हो सकता है किसी और वेरिएबल पर डिपेंड हो, तो जिस पे भी वो डिपेंड होगा हम उसके रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हम पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, टी डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस टी। एक्स की बात करेंगे तो डी एक्स अपॉन में डी टी, इस बार एक्स का रिस्पेक्ट मैं नहीं दे रहा हूँ, टी का रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, टू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू टी। आपको निकालना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स। अब क्या करें कि डी वाई डी एक्स आ जाए, एक काम करो, अगर मैं इसको ऊपर लिख दूं और इसको नीचे लिख दूं, तो आप खुद फील करो कि सर dt से dt कैंसिल हो जाएगा, बच्चे का क्या डी वाई डी एक्स आया ना, ठीक है। लेकिन आपको काटना नहीं है, आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है, क्या वैल्यू है, cos t अपॉन में 2t। तो dy वाई बाय डी एक्स निकालने के डी अपॉन डी टी डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, आपको काट के दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके क्या निकालना, डी वाई डी एक्स। तो जितने भी क्वेश्चन आप 5.6 में डिस्कस करोगे वो सारे किस फॉर्म में होंगे, इसी तरह क्वेश्चन होंगे, वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, किसी और वेरिएबल ए बी जो भी होगा हम बात करेंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसे कॉपी करो।